चैप्टर 10 में भी देखेंगे यही चीजें हैं। लेकिन अगर आप 498 पढ़ेंगे ना तो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर सकता है, उसको ले सकता है क्या, उससे मुचलका ले सकता है, और वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए उतना जितना वो जरूरतमंद हो। उसके अंदर कोई ग्राउंड नहीं लिखे हुए, सिंपल ये लिखा हुआ है क्या कि वो उसका। तो ये चीजें इसीलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं, श्योरिटी बॉन्ड और सिक्योरिटी। श्योरिटी का मतलब जामन और बॉन्ड का मतलब वो खुद अपना पर्सनल मुचलका कहता है, जनाब मेरी प्रॉपर्टी ले लो। ये वो जामन का मतलब खुद अपना नहीं है, दूसरा कोई भी थर्ड पर्सन आएगा वो क्या करेगा, आके उसकी जगह जमानत देगा। अब सिक्योरिटी क्या होती है, ये पैसे की सूरत में होती है। अब बात सुने, एक बंदे की पहले रेपो ही इतनी खराब है, वो किसको, कौन जामन उसकी जगह आ सकता है। जो कहता है ये तो भाग जाएगा कोई भी, मैं कैसे जमानत दूं, मैं तो जमानत, कहता फिर इन लियू ऑफ दैट, अब जमानत तो होगी बेल, उसने कहा आप कोर्ट में वहां जाते हो, कोर्ट कहती इसकी जमानत होगी, मैंने जमानत दे दी, बट सब्जेक्ट टू डिपॉजिट, सब्जेक्ट टू श्योरिटी, बॉन्ड नहीं कहता श्योरिटी ऑफ इतनी, लाइक वो कहता है 1 करोड़ रुपए। अब वो 1 करोड़ की श्योरिटी मांगने के लिए जामन घूमता फिर रहा है, नहीं तो 5 दिन बाद मैं कैंसिल कर दूंगा, नहीं तो ये कंफर्म कर दूंगा, अगर आप क्या दें श्योरिटी ला दे तो। अब उसके बाद तो श्योरिटी है नहीं, कहां से लाए, कोई उसका इतना अच्छा रहा कोई नहीं थी कि कोई क्या करे उसको, उसकी जगह पे आए और उसको जमानत दे जाए। तो ऐसी सूरत हाल में वो क्या करते हैं, वो कहता है इन लियू ऑफ दैट आप पैसे जमा करवा सकते हैं। कहता पैसे तो मेरे को बहुत नहीं, वो मैं जमा करवा दूं कोर्ट कभी करवा दूं, तो लिखा करो मैं काम करवाना। वो 513 CRPC, आप शोर्ट अगर आपके पास पैसे हैं जमा करवाना चाहते हो, ठीक है, आपके पास मुचलका नहीं, आप श्योरिटी नहीं ला सकते, तो उसका मतलब भी यही था ना कि श्योरिटी वाले को ले आओ, अगर कल को भाग गया तो वो जमीन के कागज रखवा जाता है, उसको जब्त कर लेंगे कार्य सरकार में, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, उसको हम जो है उससे रिकवर कर लेंगे उतने पैसे। वो कहता है पैसे ही जमा करवा देता हूँ, कल को अगर भागा मैं तो आप ये पैसे आप कार्य सरकार में जब्त कर ले, अदरवाइज ये आपको रिटर्न भी हो जाएंगे, अगर कल को आप बेगुनाह हो जाते तो ये 1 करोड़ है या 50 लाख है या 50,000 है या 1 लाख है, कितना भी है वो आपको वापस मिल जाएगा। तो ऐसी सूरत में उसने कहा कि ये श्योरिटी सिक्योरिटी के तौर पर आप जमा करवा रहे हो, तो सिक्योरिटी भी कभी वो कहता है, लेकिन इन लियू ऑफ श्योरिटी भी आप जमा करवा सकते हो पैसे, वो 513 के तहत, ठीक है। प्रॉपर्टी के कागज दे जाए जी, और सिक्योरिटी में आपकी बेल मनी आप, ये 513 है इन लियू ऑफ बॉन्ड, इन लियू ऑफ श्योरिटी आप पैसे जमा करवा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पैसे जमा करवा सकते हैं। तो ये सिर्फ हमने अभी बेल को देखना चाह रहे हैं कि रिकॉग्निशन से क्या होती है, और ये जो मुचलका आपने जमा करवाना है ये 498 के अंदर प्री रेस्ट का है, लेकिन पोस्ट रेस्ट 498 नहीं है। अगर आप पोस्ट रेस्ट बेल का लॉ देखें, यहां तक मैं इसको रब कर दूं, आपने देखा ये बेल बिफोर रेस्ट भी देख लिया, प्री रेस्ट इसी का नाम है सारा कुछ, ठीक है, तो इसको मैं जरा खत्म कर दूं, आपने लिख लिया सारा, नोट कर लिया। अच्छा बात फिर वहीं पे है कि प्री रेस्ट तो हमने देख ली, प्री रेस्ट का मुचलका तो हमने देख लिया, ठीक है, प्री रेस्ट से मुराद ही क्या है, रेस्ट होने से पहले। पोस्ट रेस्ट क्या होती है, और हाँ इसका क्या था, प्री रेस्ट का एक्चुअली फॉर्म किस फोरम पे हो सकती है, फोरम क्या है, सेशन और हाई कोर्ट, तो ये सेशन भी ले सकता है और हाई कोर्ट भी ले सकता है, ये इसी 498 में ही लिखा हुआ है फोरम, ठीक है। अब पोस्ट अरेस्ट बेल, पोस्ट का मतलब ही क्या है, और इसको कहते हैं बेल आफ्टर अरेस्ट, ठीक है, BAA बेल आफ्टर अरेस्ट, ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं बेल आफ्टर अरेस्ट, ठीक है। अब ये 497 में है, ओब्लिक 498 है, ये मैं सारों के साथ लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, 498 A को भी देखिए जरा क्यों लिख रहा हूँ, वो कहता है
चीजें होना जरूरी है, कौन सी? नंबर वन, एक तो रजिस्टर्ड केस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ केस। दूसरी बात, वो खुद को क्या करे, सरेंडर करे बिफोर द कोर्ट। ठीक है, तो वो दो सरेंडर करने को कहते हैं, दो चीजें इसके अंदर है। अगर ये दो होंगी तो बेल होगी, नहीं तो नहीं होगी। एक बंदा कहता है भाई मेरे खिलाफ बेल ही नहीं हुई, मेरे खिलाफ पर्चा ही नहीं हुआ, तो जब पर्चा नहीं हुआ तो बेल भी नहीं हो सकती, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए ये, अब इसकी जो पोस्ट है, बेल है ना, 497 के अंदर उसको डिस्कस किया गया है। ठीक है, लेकिन उसका जो है, अब इसका फोरम क्या है, हम इसको पहले, अभी मैं ग्राउंड किसी बेल के ग्राउंड डिस्कस नहीं किए, सिर्फ हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, लॉ को डिस्कस कर रहे हैं कि लॉ क्या है। तेरे पानी पूरा सा कितना मेरा गला खुश हो। इसका फोरम है ट्रायल को, डेफिनेटली जिस वक्त बंदा जुडिशियल हो जाता है और चलान सबमिट हो जाता है, तो उसका क्या होता है, ड्यूरिंग, एक बार याद रखिएगा, ड्यूरिंग रिमांड कभी भी नहीं होता। क्या? ड्यूरिंग रिमांड कभी भी आफ्टर बेल नहीं होती। तो ये चीजें वो कह रहा है। अब इसका भी मुचलका होता है, थैंक यू भाई, इसका मुचलका कौन से लॉ के तहत होता है? डेफिनेटली ये सीआरपीसी के, बड़ा खूबसूरत बताया आपने। आप सारे माशाल्लाह प्रैक्टिसिंग हैं, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, हाँ पोस्ट रेस्ट 497 नहीं, तो 497 में तो गुजल का है ही 499। शाबाश, 499 में इसका। अब मैं एक बात बड़ा कहता होता हूँ, मैं क्रिटिसाइज किसी को नहीं करता, लेकिन अगर आप जो प्रैक्टिसिंग है ना, प्रैक्टिस करते हैं, जो मुचलका फेल करते हैं, उसके ऊपर कभी देखना जो प्रोविजन लिखी हुई है, क्या 469, ठीक है, या 26 निकाल बनी, इस तरह की जो कि प्रोविजन है ही नहीं, जो खत्म हो चुकी है, वो प्रोविजन उसके अंदर लिखी हुई है, और आज तक वो सिर्फ क्लैरिकल मिस्टेक है, वो आज तक दुरुस्त भी ना हो सकी, अजल से वही चलती आ रही है, वही चल रही है। ठीक है, आप 499 में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, मुचलका इसका, बांड इसका, श्योरिटी देनी है, कितनी देनी है, कैसे देनी है, वो तरीका का है। अब देखिएगा, जब बेल होती है ना, अब आपको क्योंकि प्रैक्टिस भी जाननी है, प्रैक्टिस क्यों आपने नहीं की तो प्रैक्टिस भी जाननी है, जिस वक्त बेल दी जाती है तो फिर मुचलका कहा जाता है, मुचलका मतलब श्योरिटी बांड, ठीक है, या बांड इसकी बात करता है। ये हमने 513 वाली बातें भी देख ली है सारी। अब जब ये आप सबमिट करवा देते हो, बंदा तो अरेस्ट है, ठीक है, या बंदा नहीं अरेस्ट, फिर आपने पुलिस को कैसे इतला देनी कि इस बंदे ने बेल करवा ली, तो डेफिनेटली पर्चा तो पुलिस में हुआ हुआ है ना, एफआईआर तो कहां है, थाने में है, तो कैसे बताएंगे उसको, कैसे टेस्ट कॉपी दवानी जाती, क्या जाता है वहां, कभी बेल नहीं करवाई, शाबाश, जिन्हें नहीं प्रैक्टिस की थी उन्हें पता है सर, इसने पढ़ा बहुत है, हाँ, पढ़ा, क्या कहती है, रोबकार जाती है, रोबकार इशू होती है, ये भूल गया था, कोई बात नहीं, ये रोबकार कौन से लॉ के तहत जाती है, बनती कौन से लॉ के तहत, लफज ही रोबकार, लफज ही रोबकार ही लिखा होता है, ठीक है, इसे सेक्शन 500 निकाली है, उसके ऊपर उसने क्या लिखा है, सीआरपीसी के सेक्शन 500 में देखिए क्या लिखा हुआ, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ, वर्ड क्या लिखा हुआ, हाँ तो स्टडी से डिस्चार्ज काउंट कब करेंगे, देखो है तो उनके पास ना, अब जिस वक्त ये श्योरिटी बांड दे देते हैं ना आप, ठीक है, तो वहां पे कोर्ट ही या कोर्ट का अहलमत बैठा होता है, वो आपको
एक पर्चे पे लिख देता है कि इन्होंने शूट जमा करवाई है और उसके अंदर क्या लिखा हुआ, एक लफ्ज लिखा और उसके ऊपर लिखा होता है कि जनाब इसने इतना मुचलका दे दिया और इस वक्त तक इसकी बेल हो गई, एक पर्चा आपके हाथ में थमा देता है जी ये ले जाए। अगर तो बंदा जेल में है तो वो जेल में जाता है, ठीक है, फिर जेल वाले उसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। पहले नहीं होता था, आज 4-3-4 साल पहले वो जैली रोबकारा बन के जाने लग गई जब, ठीक है, अब पाकिस्तानी सारे माशाल्लाह हम सारे इतने सियाने हैं कि कोशिश कर लेते हैं, वो जाली रोबकार बना के भी जाने लग गई, जाली स्टैंप लग जाती थी जज की, साइन कॉपी करने के सारे मास्टर्स हैं। तो वो अब क्या करते हैं, जेल में जब रोबकार जाती है तो पहले जिस कोर्ट से हुई होती है बेल उससे पहले क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, देन उसको डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है। तो वो सेक्शन 500 के तहत उसको क्या होता है, हाँ जी 500 पूरा, ठीक है। अच्छा, यहां तक अभी सिर्फ हम फोरम्स पढ़ रहे हैं, ग्राउंड्स की तरफ नहीं गए, ठीक है। बेल के बारे में ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार इन चीजों को मैं क्या कर रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हैं, अगर एक ही जगह पे हम बहुत सारी चीजें मैं यकदम ही बता दूं तो फिर चीजें इनहेल करने में क्या होता है, थोड़ा हमें वो हो जाता है कि हम इतना सारा कुछ कैसे ले लें। तो आज का हम यहीं तक देखते हैं कि बेल क्या है, हाँ बाकी बेल्स के फॉर्म भी देखते हैं, ग्राउंड अभी नहीं देख रहे, ठीक है। अब इसी तरह आपका बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस है, क्या है, अब बेलेबल ऑफेंसेस में क्या होता है, ये कहां पे बेल होती है, ये कहीं पे भी ले जा सकती है, फिर ट्रायल कोर्ट, ज्यादातर इसमें क्या होता है बंदे को पहले पकड़ लाते हैं तो वो फिर जैसे ट्रायल कोर्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है क्या हो जाता है, उसको रिलीज कर देते हैं मुचलका फॉर्म लेकर। ठीक है, लेकिन वहां पे अगर ना अवेलेबल ऑफेंस है, जब है अवेलेबल ऑफेंस तो उसमें करना ही उसको रिलीज है जब उसके अंदर लिख दिया। अब ये मुझे एक और बात बताएं, ये बेल 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 कर रहे हैं हम, कौन सा ऑफेंस अवेलेबल है कौन सा नहीं है, ये कहां से पता लगेगा, शाबाश, शेड्यूल के अंदर कौन सा, सेकंड शेड्यूल, कॉलम क्या है, कॉलम नंबर 5, ठीक है, कॉलम नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, बेलेबल ऑफेंस कौन सा है कौन सा नहीं है, किसमें बेल हो सकती है किसमें नहीं, इसीलिए कहा था कि वो जो आपके शेड्यूल के 8 कॉलम्स हैं वो आपको याद होने जरूरी हैं। वो आप, मैं जब से आपको कह रहा हूँ कि सबसे पहले अगर आपने पढ़नी है सीआरपीसी तो वो जो 8 कॉलम्स है सेकंड शेड्यूल के तो वो आपको याद होने चाहिए, फिर बाकी सारी चीजें याद रहती है। तो बेल अगर होनी है तो उस शेड्यूल में लिखा होगा कि ये अवेलेबल ऑफेंस है ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आगे जी एंटीसिपेटरी, ये एंटीसिपेटरी बेल एक्चुअली ये मेला वार्ड या पुलिस होता है, या अब ये प्री अरेस्ट बेल ज्यादातर होती है, जब इसको ग्रांट कर दिया जाता है तो इसके अंदर क्या लिखा जाता है कि ये एंटीसिपेटरी बेल का मतलब है ये 498 है कानून, और 498 ए ही है इसके साथ, मैंने कहा हर एक 498 इसलिए मैं लगा रहा हूँ, वजह क्या है, ये मैंने ग्राउंड्स 2 लिख दिए थे, ठीक है, पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ केस और दूसरे खुद को सरेंडर करना है, उसके सामने पेश करना है कि मैं आ गया हूँ जनाब बोना फाइडी, मुझे क्या दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए, मैं मुझसे मुचलका लेना ले लो, मुझे छोड़ दो, मैं अपना आपको इनोसेंट प्रूव करूंगा। अगली बात प्रोटेक्टिव बेल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टिव बेल किसको कहते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिव बेल, उसने कहा प्रोटेक्टिव बेल, जब लफ्ज ही प्रोटेक्शन से है, प्रोटेक्टिव बेल प्रोटेक्शन से है, ठीक है, तो प्रोटेक्टिव बेल किसको कहते हैं, वो कहता है प्रोटेक्टिव बेल कहते हैं जो के बाज औकात होता क्या है कि इंसान, मतलब मैं आउट ऑफ स्टेशन इस वक्त, मतलब मेरा जो होम टाउन है वो यहां से एल्सवेयर है, ठीक है, तो वहां पे अगर खुदा ना खास्ता मेरा कोई जो है दुश्मन मेरा कोई मेरे साथ जिसका कुछ है वो वहां पे FIR करवा देता है मेरे खिलाफ, तो मेरा जो प्री अरेस्ट का फोरम है दैट इज माय सेशन कोर्ट इन दैट एरिया,
अगर वो डिस्ट्रिक्ट मेरा कोई भी है तो उस डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट बनेगा सेशन कोर्ट, ठीक है। अगर वो रिफ्यूज करेगा तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, लेकिन मैं तो यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं वहां पहुंचू तो क्या होगा, वो जाते हैं मुझे अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है, फौरन से अरेस्ट कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जिस प्रोविंस में मौजूद हूँ, चाहे वो हाई कोर्ट, अगर वो पंजाब है, चाहे केपीके है, चाहे सिंध है, चाहे कोई भी है, वहां के हाई कोर्ट को अप्रोच करूं 561A, 561A, इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट है। क्या है इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट? इसके तहत ये मैं जो बेल है प्रोटेक्टिव बेल, वो क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा, और इसका फॉर्म ए किए हाई कोर्ट, और वो हाई कोर्ट के अंदर, और ये एक्ट वंस होती है, ये क्या होती है, एक बार ही होती है, और ये उसी कोर्ट में होती है, किसमें, हाई कोर्ट में, और 561 है इसका फोरम। यहाँ तो बेटा कुछ समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है बिल्कुल सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात बेल जो है वहां पे मेलाफाइडी आ जाती है एक जगह पे, जैसे हम कहते हैं जज साजबाज हो गया, पुलिस साजबाज होके मेरे खिलाफ एफआईआर करवा दिया, वो कहते हैं जनाब इसने बेल नहीं लेनी। अब जब ऐसी सूरत में बेल लेनी है, वो कहते हैं जनाब यहाँ पे तो मेलाफाइडी है, प्योर मेलाफाइडी, तो जहाँ मेलाफाइडी होती है तो उस बेल को बेल ग्रांट करते हुए एंटीसिपेटरी बेल कह दिया जाता है, होती होती है जी, उसमें लिख दिया जाता है। हम तो लिखते ही है ना जहाँ, हाँ लेकिन उसके अंदर ज्यादातर ग्राउंड होता है जी, जी मोस्टली तो ऐसी सूरत हाल में इसको क्या जी मोस्टली हम कहते ही है कि जनाब ये पुलिस ने उसने अपने साथ बात होके, ज्यादातर वो हमारे पास एक डिटो ग्राउंड्स भी होती है, हर बंदा डिटो ग्राउंड्स लेके चलता है ना इस वजह से, ठीक है। अब एब्सेंशिया है ये बहुत, अब देखिए 498A के ग्राउंड्स क्या है, दो थे ना, एक रजिस्ट्रेशन ऑफ केस और दूसरा खुद को सरेंडर करना। अब जब है ही एब्सेंशिया, एब्सेंशिया बेल इन एब्सेंशिया, इससे मुराद है इन एब्सेंट, बेल एब्सेंशिया से मुराद है बेल तो लेनी है लेकिन उसके एब्सेंट में, तो उसके इंग्रेडिएंट एक पूरा नहीं हो रहा, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ली जाती है, ठीक है। अब इसमें डेफिनेटली ये पोस्ट अरेस्ट नहीं होगी क्योंकि ये प्री अरेस्ट ही है, एब्सेंशिया से मुराद बंदा नहीं आ सकता। जैसे पिछले दिनों आप एक केस देखते थे क्या, राव अनवार वाला, कराची वाला, वो SP था राव अनवार, वो भागा हुआ था, उसके बिना केस का कुछ हो नहीं सकता था, उसको कहा था कि भाई तुम आ जाओ, तुम्हारी बेल हम पहले ही ग्रांट कर देते हैं, तुम आ जाओ, दैट इज कॉल्ड बेल इन एब्सेंशिया, ठीक है। वो हाई कोर्ट भी कह सकता है, वो आपका कोर्ट ऑफ सेशन भी कह सकता है, वो कोई भी, अगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में बेल इन एब्सेंशिया भी ग्रांट हो सकती है, ठीक हो गया। तो बेटा बेल पे अरेस्ट कौन लेता है, लेकिन ट्रायल कोर्ट का क्या जरूरत नहीं है, ये प्री अरेस्ट का फोरम ही आपने देखा, पर ट्रायल जहां मर्जी हो फोरम हमारे पास, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है जी जी, मेरे से लिखिए कुछ नहीं है इसका, मैंने कहा कि ये, मैंने आपको कहा कि ये प्री अरेस्ट ही है, जो अगर तो अरेस्ट हो तो फिर एब्सेंशिया की जरूरत ही कोई नहीं ना, वो तो है ही मेरी कस्टडी में, तो मैं तो जब भी ले ला सकता हूँ, ले रहा भाई इंट्रोड्यूस कर लो, तो एब्सेंशिया से मुराद या एब्सेंट है वहां पे, लेकिन जरूरत है उसकी, कहते हैं हम आपको पहले ही बेल दे रहे हैं, तो इस वजह से फोरम भी वही रहेंगे, ठीक है। खैर आगे, और आगे है आफ्टर कन्विक्शन, ये अपील्स के अंदर जिस वक्त हम जाते हैं ना, तो अपील में जिस वक्त डिले हो जाता है, आप इसके अंदर सेक्शन पढ़ेंगे, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस लगा देते हैं आप, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस, ये 426 के साथ या बेल लगा देते हैं, जैसे आप अभी कल इंशाल्लाह हम बेल के ग्राउंड 497 पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ग्राउंड देखेंगे, तो उसके अंदर भी एक स्टैट्यूटरी ग्राउंड है, वो भी कहता है अगर इतना पीरियड हो गया
ट्रायल खत्म नहीं हुआ, अगर डेथ है तो 2 साल बंदा है, औरत है तो 1 साल, और अगर अदर देन डेथ है तो 1 साल बंदे के लिए और औरत के लिए 6 माह, तो वो कोई सेम यहाँ पे भी ग्राउंड्स हैं। अपील को चलते इतना अच्छा हो गया तो उसको क्या करो, रिलीज ऑन बेल कर दो जब तक उसका फैसला नहीं होता। तो ये बेल की बातें कर रहे थे, बेल के बारे में बहुत सारा कुछ हम इंशाल्लाह बेल को खंगालेंगे। आपका चैप्टर 26 रूल 21 आपका पुलिस रूल ये 1934 वाला, चैप्टर 10 ऑफ हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 वाला, ये सारी चीजें हम जहां जहां से भी मिलेंगी हम इसको क्या करेंगे वो देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी। अब हम नेक्स्ट